आ जाऊंगा तो ठीक और है सब भाई, आप अपने परिवार? लोगों से बात मतलब भाई कीजिएगा कि भाई देखिए, या तो इस तरीके के इल्जामबाजी करना छोड़ दें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना मेरे भाई, लंगड़ा लूला ये सब। चलो कोई आदमी हो तो उसको आदमी कहे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना हो अब्बू और भाई, जबरदस्ती उसकी फोटो एडिट करके लंगड़ा बना दिया। ये सारी चीजें ना ऐब निकालने वाली, ये तुम्हारे दिमाग वाले पहले करते हैं, किसने इसमें किया क्या थोड़ा आज हमें तक? पीछे मेरे कदम भाई उठाना शाहरुख पड़ता खान है। साहब को किसी ने लूला कहा, अपाहिज कहा, लंगड़ा कहा, अंधा कहा? ये तुम यार करते रहते हो यार बकवासबाजी, तभी तो गुस्सा आता है हमें। तुम अगर हद में रहके तुम तुम्हारी जमात का काम करो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन भाई तो मैं तो जो तुम हमेशा हद में ही रह के करता हूँ ना, आज तक कभी हद नहीं पार की। जब तुम हमारी उलमाओं की शान में गुस्ताखी करोगे, या किसी वली अल्लाह की शान में गुस्ताखी करोगे, या अल्लाह की शान में, अल्लाह की नबी की शान में गुस्ताखी करोगे, तो किसी मुसलमान तो की गैरत आप अगर जागेगी ना, अपना वो भाई तुम्हें हमको मानते होते तो आप फोन करके पूछते ना कि अफू भाई आपने ये ऐसा बोला, ये क्यों बोला, तो हम आपको बताते। ना बता पाते तो आप मेरे को नंगा कर देते कि देखो अफू खान से पूछा भी बता नहीं पाया। लेकिन अब यार मेरी हम बात को आप लोग अपनी अक्ल से सोच लो और उसको समझ लो कि नहीं ये तो तौहीन है, तो ये तो गलत चीज है ना। गलत क्या तो ही है, साफ साफ अखबारों के अंदर तुम कई बार ऐसी गलती कर बैठते हो जो कुफ्र है। जैसे क्या क्या जैसे तुमने एक बार माजल्ला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माजल्ला अनपढ़ कहा था। नहीं, अनपढ़ तो मैं आज भी कहता हूँ, अल्लाह के नबी अनपढ़ थे। नहीं, माजल्ला अस्तगफिरुल्लाह, तुम यार वास्ते आला हजरत में तो बात मेरे भाई तर्जुमा है ना उम्मी का, अनपढ़ तो भाई आला हजरत ने क्या माजल्ला आपकी तौहीन कर दी अल्लाह के नबी की? उम्मीद का मायना क्या 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 लिया उन्होंने? अच्छा भाई सूरे अल जुमा सूरा नंबर है 62 और आयत का नंबर है 2। उम्मी का जो तर्जुमा किया है आला हजरत साहब ने वो किया है अनपढ़। तो उन्हीं का मैंने मेरे भाई बरेलवी भाई से बताया था कि अनपढ़ उसको कहते हैं कि जो पढ़ना ठीक है उसको ना आता हो और ना अपने हाथों से कोई चीज को मेरे भाई लिखना आता हो, तो आमतौर पर उसको अनपढ़ कहते हैं। अनपढ़ कोई गाली थोड़ी ना है। जैसे इल्म गैब का इनकार करते हो तुम, वलियों की शान में गुस्ताखी करते तो भाई हो, इल्मे कई गैब का ऐसे हैं। इनकार तो अल्लाह के नबी की प्यारी जो बीवी थी अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने इनकार किया है कि जो ये शख्स कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा जानता था वो झूठा है। तो भाई हमको झूठा थोड़ी ना बनना, हम तो सच्चे हैं ना। वो के उस जो वो हदीसे पाक है, उस हदीसे पाक का शाने नज़ूल क्या है, किसके लिए कहा था, क्यों कहा था, उसका मकसद क्या था, तुम अपने शाने अकल से नज़ूल थोड़ी चलिए समझो ना। बता दें आपको भाई, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस का नंबर है 4855। ये अल्लाह के नबी के इस दुनिया से जाने के बाद का, ये भाई जो अम्मी आयशा ने कहा था ये अल्लाह के नबी के जाने के बाद की बात है। तो अब तो कोई हाँ ये भी नहीं कह सकता ये अम्मी आयशा ने उस वक्त कहा था जब कुरान की फला जो आयत थी वो नहीं नाजिल हुई थी, बाद में मनसूख हो गई। नहीं, ये नबी के दुनिया से जाने के बाद की ये बात है। अच्छा, हाँ, एक मेरे भाई शख्स होते हैं, उनका नाम होता है मतरूक, वो अम्मी आयशा से पूछते हैं कि इसकी ऐ दलील अम्मा क्या है जान, तुम्हारे? अरे सुनो, इसकी दलील क्या है तुम्हारे पास कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए थे, उसके बाद अम्मी आयशा ने ये बात बोली है? क्या हाँ तो ये बात है, हदीस है ना, क्योंकि मेरे भाई ये जो सवाल पूछा है ये ताबाई ने पूछा है ना, ताबाई ने पूछा है, क्या नाम था उनका? उनका नाम था मसरूक। वो पूछते हैं कि ऐ अम्मी जान क्या अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा है? तो उसके जवाब में अल्लाह के नबी की जो बीवी हैं अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला ना, वो तीन बातें बताती है कि तुमको ये नहीं मालूम है कि पहली बात क्या है कि जो शख्स ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह को देखा वो झूठा है, जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी कल क्या होगा उसके बारे में जानते थे वो झूठा है, और जो ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने दीन में कोई बात को छुपा लिया है वो झूठा है। तो ये तीन बातें बताती हैं, सिखाती हैं उनको। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक भी तो हदीस मुबारक है ना, आप नमाज के लिए नमाज के फारिग हुए, फजर की नमाज पढ़ के, और आपने वहां से खड़े होके मिंबर से उसको देखा? हाँ हाँ तो फिर तो वो तो हाँ उसको देखा, वो तो अल्लाह ताला मेरे भाई चीज पे कादिर है ना कि अल्लाह के नबी को मेरे भाई जो होने वाला है उसकी जो इत्तला है उसको दे दे। ये तो और अल्लाह फिर सुभान अल्लाह ताला ताला खुद ही तो बयान करता है ना कुरान में सूरह जिन की आयत नंबर 26-27 कि अल्लाह गैब का जानने वाला है और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता मगर और अपने एक कुरान पसंदीदा की रसूलों के। बेशक पसंदीदा रसूलों को अपने हाँ, गैब तो से जो मुंतसिब बातें करता है। मेरे भाई उम्मत के लिए मतलब भाई जो जानकारी देना ये मेरे भाई इम्पोर्टेंट था, वो सारी बातें अल्लाह ताला ने
अल्लाह के नबी के ऊपर जाहिर कर दी कि ये बता दो जहन्नम में ये अजाब है, जन्नत में ये मतलब भाई इनाम है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को मारेंगे, कयामत की ये अलामात हैं। तो ये सब जो होने वाली बातें थी ये अल्लाह के नबी ने खुद से नहीं बताया, अल्लाह ने इत्तला दी। अरे तो खुद से नहीं बताया, ये तो हमारा अकीदा ही नहीं है ना बाबू। नहीं, आपका अकीदा तो ये ना अताई इल्मे गैब। बेशक। तो अताई इल्मे गैब का तो मेरे भाई जो अकीदा है बातिल साबित हो गया ना, ये इल्मे गैब नहीं। अरे इसका तो तुमने खुद खुद नहीं मान लिया ना कि अल्लाह ने तुमने खुद नहीं माना ना अभी अबू खान, अभी तुमने खुद नहीं माना ना कि वो अल्लाह ने बताया। तो अल्लाह का इल्म से अल्लाह के रसूल को बताया तो अल्लाह इल्म में गैब उसको नहीं कहेंगे ना, उसको गैब कहेंगे, खबर कहेंगे। इल्म में गैब तो अलग हो जाएगा। हाँ यही तो मसला है। इल्म में गैब उसको कहते हैं ऐसा इल्म जो बिना हवासे खमसा के पता चल जाए। लेकिन यहाँ तो अल्लाह ताला वही के जरिए अल्लाह के नबी को बता रहा है ना, क्योंकि अल्लाह सुबहान ताला कुरान में कहता है मेरा नबी अपने दिल से कुछ नहीं कहता, वो वही कहता है जो उस पर वही की जाती है। यानी कि अल्लाह के नबी ने जो 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 कुछ भी कहा दीन में वो सब अल्लाह की तरफ से बताया गया था। खुद से अपनी पावर से, अपने इल्मे गैब से, अपनी सोच से अल्लाह के नबी ने इस दीन में एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज भी नहीं बताई। जो कुछ दीन में बताया सब अल्लाह की तरफ से था। तो ये इल्मे गैब कहते हैं। मानिए मैं आपसे कहूँ कि अल्लाह है, ठीक, अब क्या हमको इल्मे गैब हो जाएगा भाई, हमने तो अल्लाह को देखा नहीं। ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ईमान है ना हमारा। हाँ तो ईमान है ना, अब इसको इल्मे गैब हम नहीं कह सकते ना, यही तो बात है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को इत्तला दी, अल्लाह के नबी ने सहाबा को इत्तला दी, सहाबा के जरिए मेरे भाई मुहद्दिसीन और मेरे भाई हदीस की किताबें, बुके, आलिम, उनसे जरिए जरिए मेरे भाई जो ये इत्तला थी वो हम तक पहुंच गई। तो ये इत्तला है, इसको इल्मे गैब हम नहीं कह सकते। अच्छा रुको, मैं दलील निकाल लेता हूं। आप लोगों को मेरे भाई पता नहीं मेरे के ऊपर मतलब ये हो गया है कि अफू खान बस वो अहले हदीस है यानी कि हमारा दुश्मन है, बस उसकी बस कुछ ना कुछ करके उसको नंगा करते रहो, तो वो दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई क्या मत खत्म करो, सुनो अफू खान इल्मे गैब कैसे किसे मैं बताऊँ तुम्हें, रुको एक मिनट चुप रहना। मैं हाँ भाई आप बोलिए आराम से, इल्मे गैब किसको कहते हैं बताइए। देखो गैब, गैब वो छुपी हुई चीज है जिसको इंसान ना तो आंख का नाक वगैरह या किसी हवास से महसूस कर सके और ना बिला दलील अकल में आ सके, इसको कहते हैं इल्मे गैब। और दूसरी क्वालिटी इल्मे गैब की ये है जो ये आपने बताया, ये यही तो मैंने आपको मेरे भाई स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि बिना हवास खमसा के यानी कि ना सुने, ना देखे, ना महसूस किए, ना किसी से पूछे, ना अकल में आए, ना दिल में आए, ना जहन में आए, वो चीज गैब है, अनसीन। इसमें गैप, इसमें गैप होते कितने तरह के हैं? इसमें गैप कितने तरह के होते हैं? इसमें गैप भाई एक ही तरह का होता है, जो छुपी हुई चीजें होती है उसको कहते हैं गैब, और उसका जो इल्म होता है उसको कहते हैं इल्मे गैब। तो छुपी हुई चीजों का जो इल्म है वो अल्लाह सुबहान तआला ने पहले मेरे भाई इस ताल्लुक से बता दिया कि इस जमीनों और आसमान का जो इल्म है वो सिर्फ अल्लाह सुबहान तआला जानता है, तो अल्लाह के अलावा कोई गैब नहीं जानता। लेकिन अल्लाह अपने पसंदीदा रसूलों को चुन लेता है, अपने गैब पर मुसल्लत कर लेता है। नहीं मुसल्लत नहीं कर लेता, आयत को मेरे भाई ठीक से पढ़ लीजिएगा, आला हज़रत का तर्जुमा गैब की इत्तला दे देता है, खबर दे देता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, गैब की दो किस्में होती हैं, वो गैब जिस पर कोई दलील कायम हो सके यानी दलील से मालूम हो सके, और फॉर एग्जांपल जैसे जन्नत दोजख और अल्लाह ताला की जात और सिफात के देखिए जो दलील से साबित हो सकता है उसका इस दुनिया आज की मिसाल आपको दे दे रहे, जैसे माँ के पेट में क्या है, ये मेरे भाई गैप है। लेकिन इसको आप मेरे भाई अल्ट्रासाउंड के जरिए पता कर सकते हैं कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी है। सुनो तो सही, गैप की दूसरी क्वालिटी ये है कि दूसरा गैप वो है जिसको किसी दलील से भी मालूम ना किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल कयामत का इल्म के कब होगी, इंसान कब मरेगा और औरत के पेट में लेकर है या पेट में लड़का है या लड़की, बदबख्त बुरी औलाद है या नेक औलाद है, वो बातें हैं जिनको दलील से भी मालूम नहीं किया जा सकता है। किसी दूसरे गैब का मफत अल गैब कहा जाता है, समझ गए।
एक आयत भाई है ये सब कुरान पढ़ की, चुका हूँ भाई मैं, कोई नई चीज बताइए। सुने कुरान की एक आयत है पारा नंबर 32 सूरत नंबर 72 आयत नंबर है 26 और 27, हाँ उसके सूर्य सबके जिन की बताता आयत नंबर 26 और 27, अल्लाह गैब का जानने वाला है और किसी पर अपने गैब को जाहिर नहीं करता मगर अपने पसंदीदा रसूलों पर। अच्छा देखो उसकी तफसीर मैं बता देता हूँ आपको आयत। आप तफसील बताएंगे, बताइए भाई। हाँ, मैं जो कुरान की जो आयत की नहीं तफसीर बिल्कुल है भाई, बता रहा देखिए हूँ। हमसे कोई अच्छे अंदाज में बात करता है हम उसकी बात पूरी सुनते हैं, बताइए आप आराम हाँ से सुनो, बोलिए। हाँ गैब के कुछ यूं तारीफ है कि गैब से मुराद है वो छुपी हुई चीज जिसको, ये तो मैंने आपको बताया ही था अभी, ठीक जी, है ना, चीज है अवश्य हवास ना पा सके और ना बदहतान उसका अकल चाहे। तफसीर कबीर सूरह बकरा की शुरू में इस आयत में कैद है। आम मुफस्सिर का कौल है कि गैब वो है जो हवास से छुपा हो। फिर गैब की दो किस्म है होती है, एक वो जिस पर दलील हो, दूसरी वो जिस पर कोई दलील ना हो। तफसीरुल बयान में शुरू शुरू सूरह बकरा की आयत के तहत है ये, ठीक है। और मैं आपको बता दूं गैब गैब भी दो तरह का होता है, एक जाती होता है, कतई इल्म में गैब होता है। जाती अल्लाह ताला का इल्म जाती है, यानी खुद के इल्म उसके किसी ने दिया नहीं, वो अपनी कुदरत से हर चीज करता है, उसे हर पल और हर जर्रे की खबर पहले से ही मालूम है। अल्लाह के लिए गैब कुछ नहीं, यानी अल्लाह के लिए कुछ चीज छुपी हुई नहीं है। और आता है इल्म गैब, हमारे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अताई है, यानी अल्लाह से इल्म में गैब अता हुआ है। हमारे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इल्म में गैब है वो अल्लाह के अता से है, कुछ से कुछ हाँ नहीं है। और यही बात मैंने मेरे भाई जो आपके मतलब भाई अल्लामा है, ठीक है, हाफिज एहसान इकबाल कादरी साहब, उनसे मैंने पूछा था कि ये जो अताई इल्मे गैब है इसके ऊपर कोई एक कुरान की आयत या एक अल्लाह के नबी की सही हदीस पेश कर दीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया हो कि ए नबी हम आपको इल्मे गैब अता करते हैं, या अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि ए सहाबा मुझे तो मेरे अल्लाह ने इल्मे गैब अता कर दिया है। तो कोई ऐसा कोई मतलब दलील है कि वाकई अताई इल्मे गैब साबित हो? ये हाँ तो बता रहा हूँ बरेलियों की देखो, देखो तफसीर है ना, ये तो इज्जत नहीं है, कोई मतलब कोई डायरेक्ट इसका सबूत है? सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इल्म गैब है वो अल्लाह की अता से है, खुद से कुछ नहीं है। अल्लाह ने कितना इल्म गैब अता किया ये बात तो लोहे महफूज को भी खबर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं नहीं को नहीं नहीं अल्लाह नहीं ने भाई, बे पना एक इल्म मिनट, गैब अता सिकंदर भाई, फरमाया। सिकंदर भाई यहाँ पे आपने अपने जी आलिम का ही रद्द कर दिया। बताइए आपके कैसे। हाफिज एहसान इकबाल कादरी कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी जो कुछ नहीं जानते थे सब सिखा दिया, यानी कि सबका इल्मे गैब दे दिया, और आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने अल्लाह के नबी को कितना इल्मे गैब अता किया ये खाली लोहे महफूज को मालूम है, उसके अलावा कोई को नहीं मालूम है। तो यहाँ से अल्लाह तो आपके ताला आलिम का का रद्द हो रहा है जो ना। इल्मे गैब है वो लामहदूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो इल्मे गैब है वो महदूद है, समझिए। महदूद है ना, तो आपके हाफिज एहसान इकबाल कादरी तो कह रहे हैं जो अल्लाह के नबी नहीं जानते थे सब अल्लाह ने उनको मेरे भाई सिखा दिया बता दिया, यानी कि वो तो मुकम्मल कुरान से इल्म साबित गैब है है। ना बाबू, वो तो कुरान से साबित है ना। हाँ, वही तो आयत मैं मांग रहा हूँ। अच्छा मैं आयत आपको बताता हूँ, नहीं उसका हवाला आप ना दीजिए ना अरबी मतन कर लीजिए, माना है मैं माना बता बता रहा हूँ दीजिए। आपको। पारा नंबर 5 खोलिए, सूरह निसा, तर्जुमा है किस कैसी होगी जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाए और ये महबूब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगेबान बनाकर लाए, ठीक है। तफसीर है ये नहीं नहीं निसा पहले सूरी तो में इस आयत जो आयत आपने में पढ़ी है इसमें कैद है। ना तो इल्मे गैब ना तो जाती है ना तो अताई है, तो इसमें आप क्या साबित करेंगे? या इसके अंदर लिखा हुआ है ना भाई आयत के अंदर कि भाई उम्मत से एक गवाह लाए। हाँ अरे तो गवाह है ना वहां पे, ये थोड़ी ना है कि ऐसा गवाह जिसको इल्मे गैब अता किया हो। भाई आप देखिए अब आप तावील कर रहे हैं प्यारे भाई। सुनो सुनो, मैं तो कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, तावील नहीं कर रहा। और उसी आयत में इस आगे अल्लाह आयत ताला, का इल्मे गैब से दूर दूर तक कोई मेरे भी कनेक्शन ही नहीं है ना, इसको तो हाँ जबरदस्ती सुनो सुनो मैं तावील बता रहा करके हूँ इल्मे गैब के इसे। ऊपर लागू किया जा रहा है ना। सल्लल्लाहु हाँ सुनो सुनो, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक सल्लम तमाम रूहों और दिलों और नफ्सों का देखने वाली है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अल्लाह ने जो पहले पैदा फरमाया वो मेरा नूर है, तफसीर उल बयान में इस आयत की माँ तहत है, समझ रहे। अल्लाह के नबी का मतलब माज अल्लाह जो अबू दाऊद की जो हदीस है, और मेरे भाई हदीस का नंबर है 4700 कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा किया। तुम आज के नाम यहाँ ले ले हदीस, तुम यहाँ आए तो तफसीर का इनकार। भाई आयत की तफसीर ये झूठी तफसीर है ना, कुरान की जो आयत है वो तो बहुत सही है, लेकिन जो बरेलवी आलिम ने तफसीर की है वो हदीस के खिलाफ की है, दिलों और नफ्सों को देखने वाली है। तुम अल्लाह के बंदे सबसे पहले, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो चीज पैदा की वो कलम थी, और आप कह रहे हैं कि वो मतलब ये अल्लाह के नबी का नूर था, तो भाई यहाँ पे तफसीर आपकी झूठी साबित हो रही है ना। तफसीर झूठी साबित नहीं हो रही, जो जो ये तो फिर तुमने रूल बयान के ऊपर। अच्छा भाई, अरे रूल बयान का पढ़ रहे हैं अल्लाह, ये तो सूफियों की तफसीर है भाई। किसने कह दिया? अरे सूफियों की तफसीर आ जाके अपने आलिमों से पूछ लीजिए। रूहुल बयान जो है उसमें मेरे भाई सूफियत के अकीदे हैं। तो भाई हम सूफियत के तो मानने वाले हैं। तो आप सूफी के मानने वाले हैं ना, हम तो सहाबा के मानने वाले हैं ना। तो सूफियों से अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया, अबू दाऊद की हदीस है, हदीस का नंबर 4700, अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और कलम के साथ जो कुछ होने वाला है। इकराम को देखा थोड़ी है यार, तो ऐसे तो आपने इमाम इमाम अबू हनीफा को भी नहीं देखा है, तो आप फिर उनके मेरे भाई पर आपकी उम्मत के अमाल सुबह और शाम पेश किए जाते हैं, लिहाजा आप उम्मत को। काश हमने अल्लाह के नबी को देख लिया होता तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी हो गए होते, अल्लाह के नबी की सुहबत इख्तियार करते अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब क्या बताएं, बाद में पैदा हुए हम और आप। मदारिक में शायद के तहत ही तफसीर मदारिक को माशाल्लाह आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे गवाह है मोमिन पर और उनके ईमान के, काफिरों पर उनके कुफ्र के, और मुनाफिकों के उनकी नफाक के, इस आयत और इस तफसीर से मालूम हुआ है ना। वो तो अल्लाह के नबी बताएंगे ना कि मैंने पूरा दीन बता दिया था, उसके बावजूद कुछ लोगों ने इनकार किया, उसमें इल्मे गैब कहाँ आ गया। इसलिए आप सब के गवाही देंगे कि ये है इल्मे गैब और इल्मे गैब। समझे,